हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी गाय आज हीट पे थी, आज इसके सीमन लगवाए हमने। इसके आज हमने एबीएस का ट्रॉय बुल का सीमन लगवाया है, एच एफ और ग्रे का क्रॉस। ये है इसका स्ट्रो, देख के बताइए गाय कैसी है, कितने दूध की है मेरे को कमेंट में बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले नई गाय ली है। ये गाय देखो, इसके भी हमने अभी 15 दिन पहले HSB का टायजन का सीमन रखवाया था। ये भी काफ़ी अच्छी गाय है, ये 6th लैक्टेशन में है। एक ये देखिए हमारी फर्स्ट टाइम है बछिया, ये अभी 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। ये भी काफ़ी अच्छी बछिया है। ये देखिए हमारी देसी गाय, ये HSB के चीता से प्रेग्नेंट है। इसे 20 दिन के आसपास सीमन रखे हुआ है, काफ़ी सीधी गाय है ये भी। ये देखिए, ये हमारी एक देसी गाय, बाकी ये सभी गाय। ये हमारी जैसे की क्रॉस है, ये देखिए, ये एक हमारी ये बछिया, ये हमारे 2 मेल काफ्स। ये देखिए, ये भी आज हीट पे है, इसको कल सीमन लगवाएंगे। इसको देख के कमेंट में बताइएगा कौन सा सीमन इसके लिए बेस्ट है। ये देखिए, इस गाय का अभी 15 दिन पहले अबॉर्शन हो गया। इसने फर्स्ट टाइम मैंने 18 किलो दूध दिया था, 18 kg। अभी भी ये 10 किलो दूध पे आ गई है। अब एक बार कमेंट में बताइएगा कितने दूध पे आ सकती है गाय। ये हमारी गाय, इसको डिलीवरी को 8 मंथ्स हो गए, अभी तक ये प्रेग्नेंट नहीं हुई है, 2 बार रिपीट हो गई। बाकी ये देखिए, ये भी हमारी काफ़ी अच्छी गाय है। इसने भी पीक पे 20 किलो से प्लस प्लस दूध दिया है। अभी तो काफ़ी कमजोर हो गई, इस गाय को लंपी हो गई थी। ये देखो निशान आपको दिख रहे होंगे, एक ये देखो, ये हमारी गाय है। इसको अभी हम 1 मंथ पहले हमने खरीदा है, काफ़ी कमजोर गाय है ये। ये हमारी बछिया है डेनमार्क 40116 की बछिया है, देखिए। ये हमारी गाय, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।